नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 18 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यह पूछता है द टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रिपोनेमल एंटीबॉडीज इन सिफिलिस टेस्ट इज नॉट एज पर फॉलोइंग टेस्ट। क्वेश्चन पूछता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो यूज नहीं किया जाएगा ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए, उसके कन्फर्मेशन के लिए सिफिलिस के केस के अंदर। तो यहाँ ऑप्शन दिए है वीडीआरएल यानी वेनेरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट, नेक्स्ट है रिटर प्रोटीन कॉम्प्लेमेंट फिक्सेशन टेस्ट या फिर ट्रेपोनेमा पैलिडियम इमोबलाइजेशन टेस्ट। तो यहां से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, वेनेरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट यानी वीडीआरएल, ये यूज नहीं किया जाता है ट्रिपोनेमा एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए। देखो, बात को समझते हैं, ये जो वीडीआरएल है ना, ये यूज किया जाता है सिफिलिस के केस के लिए, लेकिन ये एक साधारण टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ इसके इन्फेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें आरपीआर आएगा और वीडीआरएल आएगा, ये दो टेस्ट आएंगे। आरपीआर यानी होता है रैपिड प्लाज्मा रिएजिन और वीडीआरएल होता है वेनेरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट। तो इससे हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज़ के कन्फर्म डिटेक्शन के लिए हमें उसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए ये सारे टेस्ट यूज़ करने होते हैं। जैसे यहाँ पर एफ टी एब्जॉर्बेंस टेस्ट यानी ये होगा फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्सॉर्बन टेस्ट, फिर पीसीआर भी यूज कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे बोला जाएगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी भी यूज कर सकते हैं, रिटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्समेंट फिक्सेशन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और ये ट्रिपोनेमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है इमोबलाइजेशन का, ये भी कर सकते हैं, है ना। सिफिलिस क्या होता है, तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, एसटीआई एसटीडी जो भी बोलना है, और इसका इन्फेक्चुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्पायरोचिट बैक्टीरियम ट्रिपोनिया पैलिडम करके, है ना। तो इसे याद रखना है, ये कॉमन टेस्ट यूज किए जाते हैं आरपीआर वीडीआरएल, ये फर्स्ट के इन्फेक्शन के लिए, और बाद में उसका कन्फर्मेटरी भी करना पड़ता है, तो कन्फर्मेटरी के टेस्ट याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे पूछता है द कन्फर्मेशन ऑफ एड्स इज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। देखो, अभी हमने तो सिफिलिस के कन्फर्मेशन के बारे में देखा, अभी एचआईवी जो है एड्स, तो एड्स के कन्फर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं वो पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन दिया है एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, पीसीआर टेस्ट या फिर साउदर्न ब्लॉट टेस्ट। तो देखो, यहाँ एड्स का कन्फर्मेशन करने के लिए हमें ये ऑप्शन बी यूज करना होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से ही हम एड्स को कन्फर्म कर पाते हैं। आपको यहाँ पे एलिसा का फुल फॉर्म को भी याद रखना होता है, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो ये होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे होता है, और ये पीसीआर टेस्ट जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है ये डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, तो इसे याद रखना है आप लोगों ने। डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहाँ होता है, तो पीसीआर टेस्ट में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। ये बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये साउदर्न ब्लॉटिंग बोला है, तो ये डीएनए के लिए होता है, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए के लिए होता है, डॉट ब्लॉटिंग जो है डीएनए या फिर आरएनए दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो प्रोटीन्स के लिए किया जाता है। तो इसे याद भी रखिएगा, साउथ यानी दक्षिण होता है, द से डीएनए को याद रखिए, वेस्टर्न यानी पश्चिम होता है, तो पी से आप प्रोटीन को याद रखिएगा, और डॉट ब्लॉटिंग से आपने डीएनए डॉट आरएनए बोलना है, तो ये दोनों के लिए होगा, और नॉर्दर्न जो बचा है आरएनए के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे पूछता है द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन रिजल्ट इन। देखो, एचआईवी क्या करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये पूछा है यहाँ पे, ये वायरस क्या करेगा। ऑप्शन दिया है अफेक्टिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सीवियर लॉस ऑफ CD4+ सेल्स, या फिर अफेक्टिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सीवियर लॉस ऑफ CD8+ सेल्स, या फिर अफेक्टिंग बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विथ इंक्रीज CD4 सेल्स, या फिर अफेक्टिंग बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विथ CD4 एंड CD8 सेल्स। तो ये कहाँ एक्ट करता है, ये हमें
पता होना जरूरी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, अफेक्टिंग द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को भी कम करेगा ये एचआईवी वायरस और ये सीडी फोर सेल्स को भी डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी को अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये उन्हीं पर अटैक करके इनका लॉस कराते हैं। समझते हैं सीडी फोर सेल के बारे में। तो ये सीडी फोर सेल जो है इसे बोला जाता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के सेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, वन से लेकर के एट तक के। तो ये फोर है सीडी फोर सेल, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एक तरीके के, और ये इनका प्रेजेंस कहाँ होता है देखो, टी हेल्पर सेल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स जैसे इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले, तो इनके सरफेस पर ये सीडी फोर सेल्स होते हैं और एच आई वी इन्फेक्शन में ये इम्यूनिटी कम करते हैं, ये सी डी फोर को का उसमें लॉस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सी डी फोर को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। इसे टी फोर सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये टी हेल्पर सेल पर पाए जाते हैं ना, तो ये टी फोर सेल के नाम से भी जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ेंगे। वो देखो पूछता है द सीक्वेंस ऑफ सीरोलॉजिकल मार्कर्स फॉर हिपेटाइटिस बी वायरस एच बी वी इन्फेक्शन इज, एच बी वी के इन्फेक्शन में जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स का सीक्वेंस है वो बताना है। यहाँ अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिए है देखो, हिपेटाइटिस बी एंटीजन, फिर आएगा हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और उसके बाद एच बी वी डी एन ए दिया है, फिर इसका ऑर्डर सिक्वेंस बदल के दिया है, हिपेटाइटिस बी एंटीजन पहले आएगा, फिर एच बी वी डी एन ए आएगा, फिर हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आएगा, या फिर सरफेस एंटीजन जो है वो पहले आएगा, एच बी वी डी एन ए बाद में और उसके बाद में हिपेटाइटिस बी एंटीजन, या फिर सरफेस एंटीजन पहले आएगा फिर हिपेटाइटिस बी एंटीजन आएगा। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले ये जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो एच बी एस ए जी से होता है, ठीक है, ये सरफेस एंटीजन है हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अगर ये और ज़्यादा बढ़ गया तो एच बी वी डी एन ए से मार्कर को यूज़ किया जाता है और उसके बाद में हिपेटाइटिस बी एंटीजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये एच बी ए वन सी क्या होता है आपको पता होना ज़रूरी है। ये एच बी ए वन सी होता है, ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, इसके साथ में जो हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जब अटैच होता है ना तो इसका लेवल चेक करना जरूरी होता है, एच बी ए वन सी, है ना। तो ये प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, तो ये डायबिटीज़ के केस में इसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना हिपेटाइटिस बी के साथ में और ये डायबिटीज़ यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और ये सरफेस एंटीजन है एच बी एस ए जी, हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और ये सीरोलॉजिकल सीक्वेंस को याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है इन पेशेंट विथ एड्स द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज, देखो एचआईवी में के इन्फेक्शन जो एड्स होता है इसमें जो फंगल का इन्फेक्शन पाया जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन दिया है टॉक्सोप्लास्मोसिस, कैंडिडाइसिस, क्रिप्टोकोकोसिस या फिर एस्परगिलोसिस। तो यहाँ से सही ऑप्शन होता है दोस्तों ये ऑप्शन बी कैंडिडाइसिस होगा। मैं आपको बोलूँ ये एक ईस्ट होता है, फंगस होता है जो कैंडिडा अल्बिकन्स नाम से जाना जाता है और इससे ये कैंडिडाइसिस होता है। ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। देखो ये कैंडिडा अल्बिकन्स सभी में बहुत लोगों में पाया जाता है पर इसका इन्फेक्शन होता नहीं है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है और एड्स के अंदर पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से इसे कैंडिडा अल्बिकन्स का इन्फेक्शन दिखाई देता है कैंडिडाइसिस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इम्यून कंट्रोल डिसीज होता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है एड्स में, तो उसे इसका इन्फेक्शन होगा ही होगा। ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो एच आई वी पेशेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो पूछता है एच आई वी वायरस हैज़ अ प्रोटीन कोट एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज़, देखो जेनेटिक मटेरियल पूछा है कौन से इसमें एच आई वी वायरस के केस में, तो ये जेनेटिक मटेरियल पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में दिया है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए, सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए, डबल स्टैंडर्ड डी एन ए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए। तो एच आई वी की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। और यहाँ पे हिपेटाइटिस के वायरस के बारे में भी देखो, हिपेटाइटिस ए वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, हिपेटाइटिस बी वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
हिपेटाइटिस डीएनए वायरस, तो ये बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है और बाकी सब आरएनए वायरस होते हैं। ये हिपेटाइटिस ए से लेकर के ई तक होता है, तो उसमें ये बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस होता है दोस्तों, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हमारे फार्मा नोट्स के लाइफ टाइम पीडीएफ मेंबरशिप के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा 1000 रुपीज़ बाय पेटीएम या फिर फोन पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648। आपके कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे अदर दो चैनल्स हैं, नीट साइंस स्कॉलर्स और जीरो डिजिट। यहाँ नीट साइंस स्कॉलर्स में हम केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, और जीरो डिजिट में हम जो फार्मा सब्जेक्ट को छोड़ के जो फार्मा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन चैनल्स को भी जा करके एक बार विजिट करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछता है, सीरम सिकनेस इज अ इम्यूनोलॉजिकल डिसीज मेडिएटेड ड्यू टू, सीरम सिकनेस के बारे में पूछा है कि इसमें क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल डिसीज मेडिएटेड ड्यू टू। ऑप्शन ए है टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इम्पेयर प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स फ्रॉम थाइमस ग्लैंड्स, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलेशन एंड इट्स डिपोजिशन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों सीरम सिकनेस के बारे में ऑप्शन डी। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं सर्कुलेशन, और उसका डिपोजिशन भी होता है ब्लड सर्कुलेशन में, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका अलग अलग जगहों पे डिपोजिशन भी होता है। बात करेंगे सीरम सिकनेस की, तो ये एक एलर्जिक टाइप का रिएक्शंस है, ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 में आता है दोस्तों, सीरम सिकनेस है ना। और ये दिखने में कैसा होता है, देखो इस तरीके का ये सीरम सिकनेस का एक एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हाथ पे लाल कलर के पैचेस आए हैं, तो इसमें रैशेस आते हैं, रेडनेस होता है, स्वेलिंग आती है। तो इस जब भी हमें कोई बी जो होता है हनी बी, वो भी स्टिंग करके जाती है, तो थोड़ी देर बाद आपको इस तरीके की एलर्जिक रिएक्शन देखने मिलती है, वो भी एक तरीके का सीरम सिकनेस ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है, इंडोल टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय, इंडोल टेस्ट कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसेरिशिया कोलियाए, क्लेब्सियला न्यूमोनी, एंटेरोबैक्टर एरुजेंस, या फिर प्रोटियस वल्गैरिस, या फिर बोथ ए एंड डी। पहले तो इंडोल टेस्ट के बारे में देखो, ये टेस्ट उन बैक्टीरिया के लिए पॉजिटिव आता है जो बैक्टीरिया कैपेसिटी रखते हैं ट्रिप्टोफन मॉलिक्यूल को इंडोल में कन्वर्ट करने की, तो ये उन्हीं बैक्टीरिया के लिए इंडोल टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन ई, बोथ ए एंड डी, इस्टेरेशिया कोली और ये प्रोटियस फैमिली के सभी, लेकिन इन दोनों को छोड़ के मिराबलिस और पेनेरी जो है, प्रोटियस मिराबलिस प्रोटियस पेनेरी, ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, ये निगेटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन बाकी सारे प्रोटियस के जो भी बैक्टीरिया है वो और इस्टेरेशिया कोली, ये पॉजिटिव इंडोल टेस्ट देते हैं, वो ट्रिप्टोफन को इंडोल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है, ड्यूरिंग द विंडो परेड है ना, यहाँ पे देखो ये विंडो परेड पूछा है, ड्यूरिंग द विंडो परेड ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन और एड्स, एलाइसा और एंड डब्ल्यूबीटी है ना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कैरिड आउट, देन व्हाट आर द टेस्ट रिजल्ट्स। विंडो परेड में जो पेशेंट है उसके लिए हमने एलाइसा को टेस्ट किया है, डब्ल्यूबीटी का भी टेस्ट कर लिया, तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। ऑप्शन दिया है एलिसा निगेटिव आएगा, डब्ल्यूबीटी निगेटिव आएगा, एलिसा पॉजिटिव आएगा लेकिन डब्ल्यूबीटी निगेटिव आएगा, या फिर दोनों निगेटिव आएंगे। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन डी, एलिसा हो या फिर डब्ल्यूबीटी हो, दोनों के दोनों निगेटिव आएंगे। देखो ये विंडो परेड को समझते हैं एक बार, ये विंडो पीरियड क्या होता है, जैसे एक्सपोजर होना है ना, वो इन्फेक्शन के लिए एक्सपोजर हुआ है पेशेंट का, और एक परेड होता है बीच में, और उसके बाद में वो जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है, इतना बढ़ेगा कि हम उसका डिटेक्शन कर पाते हैं। तो ये जो परेड है एक्सपोजर और डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन के बीच का, यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट निगेटिव रिजल्ट देते हैं दोस्तों, यहाँ पे पता बिल्कुल नहीं चलता है कि पेशेंट को वो इन्फेक्शन हुआ भी है या नहीं भी, इसे हम विंडो पीरियड कहेंगे।
तो इसके अंदर आप जो भी टेस्ट करो उसका रिजल्ट तो निगेटिव ही आना है, क्योंकि इतने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है ही नहीं कि आप उन्हें डिटेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब विंडो से याद रखो कि आप खिड़की से देख रहे हो कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं ना, खिड़की से तो दिख रहे हैं लेकिन घर के अंदर अभी तक आए नहीं है, तो एक्सपोजर तो है लेकिन अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, घर के अंदर नहीं आए, तो ये जो परेड है इसके अंदर आपका सारा टेस्ट क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो ये विंडो परेड के लिए निगेटिव रिजल्ट आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना, और सब्सक्रिप्शन के बाद में आने वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको लाभ होता रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।